सभी साथियों का स्टडी विद देव के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं आपका दोस्त देव आज फिर एक नया वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ। हम आज मैथ का टॉपिक करेंगे जिसका नाम है नंबर सिस्टम। इसमें हम संख्याओं के बारे में बात करेंगे। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट, फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता, रीट और सभी एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक रहेगा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम संख्या होती है जिसे हिंदी में संख्या कहा जाता है। संख्या दो तरह की होती है, एक वास्तविक संख्या, एक काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या को इंग्लिश में रियल नंबर कहा जाता है, उसी क्रम में काल्पनिक संख्या को इमेजिनरी नंबर कहा जाता है। वास्तविक संख्याएं दो तरह की होती है, एक परिमेय संख्या और दूसरी अपरिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या भी आगे दो तरह की होती है, एक पूर्णांक, एक दशमलव। पूर्णांक को इंटीजियर्स कहा जाता है, दशमलव को डेसिमल कहा जाता है। डेसिमल आगे जाके दो प्रकार की हो जाती है और ये भी आगे जाके फिर दो प्रकार की। पूर्णांक संख्याओं को आठ भागों में बांटा गया। हमारा मेन टॉपिक वास्तविक परीक्षा में वास्तविक संख्याएं के बारे में पूछा गया, काल्पनिक संख्याओं के बारे में नहीं पूछा है, तो हम वास्तविक संख्याओं के बारे में बात करेंगे। पूर्णांक संख्याओं में प्राकृत संख्या पहला टॉपिक है। प्राकृत संख्या को इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहा जाता है, पूर्ण संख्या को होल नंबर कहा जाता है, सम संख्या को इवन, विषम संख्या को ओड, अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर, संयुक्त संख्या को कंपोजिट नंबर कहा जाता है, सह अभाज्य संख्या को कोप्राइम नंबर भी कहा जाता है। और हमारा आठवां पॉइंट होगा संपूर्ण संख्या। संपूर्ण संख्या को कंप्लीट नंबर कहा जाता है। ये तो थे परिमेय में वास्तविक संख्याएं। अब आ जाता है दशमलव संख्या। दशमलव संख्याओं को दो तरह के होते हैं, एक शांत दशमलव, एक अशांत दशमलव। अशांत दशमलव आगे दो तरह का होता है, एक अशांत आवर्ती दशमलव, दूसरा अशांत अनावर्ती दशमलव। आप वीडियो को रोक के स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम बात करते हैं पूर्णांक, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या को इंटीजर्स कहा जाता है। इसे हम पूर्णांक संख्याओं के इंटीजर को हम जड़ से दिखाते हैं। पूर्णांक संख्याएं वो संख्याएं होते हैं जिनमें ऋणात्मक शून्य व धनात्मक आता है। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, -3, -2, -1, 0, 1, 2 और 3 से लेके अनंत तक, ये होती है पूर्णांक संख्याएं जिसमें ऋणात्मक संख्या हो, शून्य हो और धनात्मक संख्याएं हो, उन्हें हम पूर्णांक संख्याएं कहा जाता है। पूर्णांक संख्या को हम जड़ से प्रदर्शित करते हैं। जो शून्य होता है वो एक उदासीन पूर्णांक होता है। शून्य एक उदासीन पूर्णांक होता है। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि शून्य कैसा पूर्णांक है, तो हम बोलेंगे शून्य एक उदासीन पूर्णांक है। ये तो थे पूर्णांकों के बारे में। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्राकृत संख्या, जो हमारा पहला पॉइंट होगा। प्राकृत संख्याओं को इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहा जाता है और इन्हें एन सिंबल से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, प्राकृत संख्या वे होती है जो एक से प्रारंभ होती है। एक से प्रारंभ होने वाली संख्याओं को हम प्राकृत संख्या कहा जाता है। जैसे कि एक, एक से प्रारंभ हुए दो, तीन, चार, पाँच से लेकर अनंत तक जो संख्याएं होगी वो प्राकृत संख्याएं होंगी। ठीक है, प्राकृत संख्याओं को हम, प्राकृत संख्याओं पर एक हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन है आपके सामने, यदि x, y और z प्राकृत संख्याएं हैं तो सभी x प्लस y प्लस z बराबर 6 के विभिन्न हलों की संख्या क्या होगी, तो आंसर दे रखा है 7, 8, 10 और 12। ये क्वेश्चन नंबर एक है जो प्राकृत संख्याओं के ऊपर परीक्षा में 2016 में पूछा गया था, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में। अब इसको हम हल करते हैं। हल करने के लिए x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 6 है, तो इनमें से उत्तर कौन सा होगा देख लीजिएगा। x बराबर हम पहला मान रखते हैं 1 प्लस 2 प्लस 3 बराबर 6, यानी 1 और 2 को 3, 3, 3, 6, 6 हो गया एक, एक संख्या तो ये बन गई। दूसरी संख्या 2 प्लस 1 प्लस 3
बराबर 6। तीसरी संख्या 3 प्लस 1 प्लस 2 बराबर 6। चौथी संख्या 3 प्लस 2 प्लस 1 बराबर 6। चार तो ये बन चुकी है। आगे नेक्स्ट संख्या कौन सी होगी? पहले इसको रखा, अब इसमें एक पहले, तीन फिर दो, ये भी एक सीरीज बन गई। तो एक सीरीज, दो सीरीज, तीन सीरीज, चौथी सीरीज हमारी, पांचवी, इसी क्रम में छठी सीरीज, दो प्लस दो प्लस दो बराबर छः। इसी क्रम में हमारी एक प्लस चार छः, ठीक है, छः। ये सात सीरीज तो हमारी हो चुकी है। फिर नेक्स्ट सीरीज ये एक इधर लिख दो, ये एक इधर लिख दो, एक तो एक ही रहता है, फिर एक चार को पहले ले आएंगे, चार प्लस एक बराबर छः। उसी क्रम में आगे आठ नंबर, नौ नंबर हमारा है पहला एक, चार एक बराबर छः, ये होगी नौ सीरीज। अब एक सीरीज हमारी यहाँ भी बन रही है, जैसे कि ये हमने तीन तीन की दो बनी, एक की भी दो बनी, एक एरी और एक एरी, एक ये रह गया, ये दो पहले, फिर ये तीन इधर आ जाएगा, तीन प्लस वन बराबर छः होता है। तो इस प्रकार हमारी टोटल दस सीरीज बनती है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी ऑप्शन, यानी दस। तो ये हमने विस्तार से इसका आंसर, क्वेश्चन का आंसर किया। तो अगर क्वेश्चन आ जाए एक्स वाई जेड प्राकृत संख्याएं और इनके बराबर कोई हमें मान दे दिया जाए तो विभिन्न हलों में से संख्या होगी, तो इसका आंसर होगा 10। तो ये आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ये तो था प्राकृत संख्या। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट बात करेंगे। अब हमारा सेकंड पॉइंट है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं को इंग्लिश में वोल नंबर कहा जाता है और इन्हें डब्ल्यू से हम प्रदर्शित करते हैं। वोल का पहला अक्षर डब्ल्यू है, तो इसलिए हम इसे डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं। पूर्ण संख्या वे होती है जो जीरो से प्रारंभ होने वाली संख्याओं को पूर्ण संख्या कहा जाता है, ठीक है। जीरो से प्रारंभ होने वाली संख्या, जैसे जीरो शुरू में आएगा, फिर एक, फिर दो, फिर तीन, ऐसे करके अनंत तक जो संख्याएं चलती है उन्हें पूर्ण संख्या कहा जाता है। तो ये था पूर्ण संख्या या वोल नंबर्स। अब तीसरा पॉइंट हमारा रहेगा सम संख्या। सम संख्या इन्हें हम इंग्लिश में इवन नंबर कहते हैं। सम संख्याएं वे होती हैं जिनमें दो का भाग जाए, ठीक है, जिन संख्याओं में दो का भाग जाएगा, ठीक है, जिन संख्याओं में दो का भाग जाएगा वो पूर्ण संख्याएं, सम संख्याएं कहलाएंगी, ठीक है। तो ये था सम संख्याएं। नोट लगा के लिख लीजिएगा, जीरो एक सम संख्या है। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि जीरो कौन सी संख्या है, तो जीरो एक सम संख्या है, ठीक है। अब हमारा चौथा पॉइंट है विषम संख्या। विषम संख्याओं को हम ओड नंबर कहते हैं इंग्लिश में। विषम संख्या वे संख्या होती है जिसमें दो का भाग नहीं जाता है। दो का भाग जिस संख्याओं में नहीं जाता है वो विषम संख्याएं कहलाती हैं, जैसे कि तीन, पांच, सात, ग्यारह, तेरह, ये सारी विषम संख्याएं। अब इसमें दो का भाग जा रहा है, भाग देख के देख लेते हैं, दो एक दो, असल एक नहीं जा रहा। पांच में दो दूनी चार, असल एक, यानी पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा, तो वो सब संख्याएं विषम संख्याएं कहलाएगी। जैसे इसमें दो तीन छः, एक असल बच गई। ग्यारह में दो का भाग जा रहा है, पांच दूनी दस, एक बच गया। तेरह में जा रहा है, दो छः दूनी बारह, असल एक। जिनमें पूरा पूरा भाग ना जाए वो संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं। ये तो था हमारा विषम संख्याएं। अब हमारा पांचवा पॉइंट है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को इंग्लिश में प्राइम नंबर कहते हैं
और अभाज्य संख्या को ही हिंदी में एक उपनाम और है जिसे रूढ़ संख्या भी कहा जाता है। रूढ़ संख्या अभाज्य संख्या को ही कहा जाता है। अभाज्य संख्या वे संख्या होती है जिसमें एक या स्वयं का भाग जाए उसको अभाज्य संख्या कहा जाता है, जैसे कि 3। अब 3 में या तो एक का भाग जाएगा या इस जो संख्या है उसमें खुद का ही भाग जाए, वे संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। एक या स्वयं का भाग जाए वो संख्या अभाज्य संख्या होती है। एक न तो अभाज्य संख्या है और न ही संयुक्त संख्या है, तो पूछ सकते हैं कि एक कौन सी संख्या है। तो एक न तो अभाज्य संख्या और न ही संयुक्त संख्या है। अभाज्य संख्याएं में सबसे पहली अभाज्य संख्या 2 होती है। 2 सबसे पहली अभाज्य संख्या होती है। सम होते हुए भी अभाज्य संख्या है। 2 एक ऐसी सम संख्या है जो सम होते हुए भी एक अभाज्य संख्या है। 2 के अलावा 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ये ऐसी संख्याएं हैं जिनमें एक या वो खुद संख्या का अपने आप में भाग जाता है, वो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ये एग्जाम्पल आप नोट कर लीजिएगा। और सबसे पहली अभाज्य संख्या 2 ही होती है। तो ये था अभाज्य संख्याएं। अब हम बात करते हैं परीक्षा में क्वेश्चन आते हैं कैसे पूछते हैं उसके बारे में। परीक्षा में क्वेश्चन आता है कि 1 से 100 तक प्राकृत संख्याएं होती हैं, तो आंसर होगा हमारा 25। ये सारी इंपॉर्टेंट है, आप वीडियो को रोक के स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 से 100 तक प्राकृत संख्याएं होती है, तो 1 से 100 तक 25 प्राकृत संख्याएं होती है। उसी क्रम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि 1 से 20 तक प्राकृत संख्याएं होती है 8, 1 से 30 प्राकृत संख्याएं होती है 10, और 1 से 50 प्राकृत संख्याएं होती है 15, और उसी क्रम में 1 से 75 तक प्राकृत संख्या होती है 21, और 1 से 100 तक होती है 25। अब परीक्षा में क्वेश्चन आ जाता है कि 30 से लेके 80 के मध्य प्राकृत संख्याएं या अभाज्य संख्याएं हैं या अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो अब इसमें हमने ज्ञात किया था कि 30 से लेके 80 के मध्य प्राकृत संख्याएं होती है 30 तक होती है 10, और यहाँ 75 तक होती है 21। तो 21 में से 10 गए, ये हो गए 11, 11 तो 75 तक हो गई संख्याएं। अब 75 के बाद 76 प्राकृत संख्या नहीं होती, 77 भी नहीं होती, 11 का भाग जाता है, 78, 78 भी में भी भाग जाता, तो अब होगी 79, एक संख्या और होती है। तो 11 तो ये हो ही गई थी 30 से लेके 75 तक, 11 संख्याएं प्लस ये एक 79 और होगी, तो टोटल 12 संख्याएं होती हैं 30 से लेके 80 के मध्य प्राकृत संख्या या अभाज्य संख्या है। तो ये तरीका था इसे निकालने का, तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन है, एक एग्जांपल लेते हैं। 1 से 20 तक मध्य या माध्यिका क्या होगी? 1 से 20 तक की संख्याओं के मध्य माध्यिका और मध्य क्या होगा? तो हम 1 से 20 तक की मध्य की संख्या अभाज्य संख्या लिखेंगे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19, ये 1 से 20 तक की अभाज्य संख्याएं हैं। और इनका अब माध्यिका पूछिए तो क्या करना है, इनके मध्य की संख्या ज्ञात करनी होती है हमें। तो मध्य की संख्या ज्ञात करने के लिए दोनों तरफ के मध्यों का जोड़ करके, जैसे 7 प्लस 11 जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे, तो हमारा आ जाएगा 18/2, यानी 9 आंसर। ये होगी माध्यिका। अगर हमें मध्य मान ज्ञात करना है, मध्य मान ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन सभी को जोड़कर 8 से भाग दे देंगे, 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 17 प्लस
19, इन सब को जोड़कर 8 से भाग देना होता है, इन सब का जोड़ किया तो हमारा उत्तर आया 70.8। 70/8, अब 70/8 को 8 से भाग देंगे तो 8×2 64.625, ये आएगा आंसर। ये तो हो गया मध्य ज्ञात करना है, तो सबको जोड़ दो संख्याओं को, 8 से भाग दे दो। अगर मध्य का ज्ञात करनी है तो दोनों के मध्य मध्य निकाल के दोनों लास्ट और पहली संख्या को लिख के और 2 से भाग दे दो तो वो आ जाएगी मध्य का। तो ये था मध्य और मध्य का ज्ञात करना। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल है कि 240 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करो, या 240 के प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हैं। हम अब प्राइम फैक्टर निकालना सीख रहे हैं, यानी अभाज्य गुणनखंड निकालना सीख रहे हैं। हमने 6th या 8th क्लास में सीखा था कि 240 के अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए सबसे छोटी संख्या यानी 2 से भाग देते हैं। तो ये तो सभी को आता ही है, 2 से भाग दिया 120 पे, फिर 2 से दिया, फिर ये कट गया 60 पे, फिर 2 से दिया ये कट गया 30 पे, फिर 2 से दिया ये कट गया 15 पे, फिर ये 3 से काटा ये कट गया 5 पे, और ये फिर 5 से काटा ये कट गया 1 पे। तो अब पूछ लेंगे 240 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करो, तो 240 लिख के इसके अभाज्य गुणनखंड ये हो गए 2, 3, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6 संख्याएं, तो ये इसके अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, हम ऐसे अभाज्य गुणनखंड किसी के भी निकाल सकते हैं, जैसे कि 80 ले लिया, 80 के अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं तो 80 का 2 से किया पहले 40, फिर 2 से किया 20, फिर 2 से किया 10, फिर 2 से किया 5, फिर लास्ट 5, ये 80 हो गया। इसी क्रम में हम आगे और निकाल सकते हैं, जैसे कि यहाँ 50 का निकालना है तो 2 से किया 25, फिर 5 से किया 5, फिर 5 से किया 1। इसी प्रकार 12 से निकालना है, 2 से किया 6, फिर 2 से किया 3, फिर 3 से किया 1। ऐसे ही 60 का निकालना है, 2 से किया 30, फिर 2 से किया 15, फिर 3 से किया 5, 5 से किया 1। ये है अभाज्य गुणन, इन सब के हमने अभाज्य गुणनखंड ज्ञात किया। ये था अभाज्य गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं। अब हमारी परीक्षा में एक क्वेश्चन आया हुआ है कि 24 की स्क्वायर 5 मल्टीप्लाई 30 की स्क्वायर 3 मल्टीप्लाई 19 की स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई 20 क्यूब के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। जैसे हमने पिछले एग्जांपल में अभाज्य गुणनखंड निकाले थे, वैसे ही इन सभी के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। जैसे 24 का 12, फिर 2 से गया 6, फिर 2 से गया 3, और फिर 3 से गया 1। इन संख्याओं को हम यहाँ लिख देंगे, 2×2×2×3 की मल्टीप्लाई 5। ठीक है, उसी प्रकार हम 30 का निकालेंगे, 30 का निकाला तो पहले किया 15, 15 से फिर किया 3 से 5, फिर हमने कर दी 15×15×30, ये हो गया इसका। 19 पे किसी का जाता नहीं तो 19 का हम 19 लिख देंगे और इसकी स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, 20 का 2×2×5, ये इसकी क्यूब। अब ये कितनी संख्या है, 1, 2, 3, 4, तो हम लिख देंगे 4×, ऊपर कितना है 5, तो 5, फिर ब्रैकेट 1 प्लस, फिर 1, 2, 3, 3 संख्या इंटू ऊपर का 3 ये लिख दिया, फिर प्लस, ये 1 थी 1×, ये 4 है उसके क्यूब की 4 लिख दिया, प्लस का निशान, 1 संख्या 2 संख्या 3 संख्या, 3×, ऊपर कितना था इनकी क्यूब, क्यूब थी, क्यूब लिख दिया। अब इन सबको मल्टीप्लाई किया, 5 चौके 20,
9 + 3 = 4 + 4 + 3 = 9। अब इन सबको क्या करेंगे, हम जोड़ लेंगे। तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9 9 18 और 24 42। तो ये आ गया हमारा आंसर। तो ये था सबसे आसान तरीका अभाज्य गुणनखंड की संख्या ज्ञात करने का। आप वीडियो को रोक के आराम से एक बार रिवाइज करके देख लीजिएगा। अब हम एक एग्जाम्पल लेके और प्रैक्टिस कर लेते हैं। एक एग्जाम्पल है कि 10^5 × 18^3 × 17^2 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। तो वैसे ही ज्ञात करना कि 10 का ऐसे निकाल लो, अगर नहीं आता तो शॉर्ट में, जैसे गया 5, फिर 5 से निकाला 1, ठीक है। तो ये यहाँ लिख दो, जैसे 5 के टुकड़े 10 के टुकड़े होंगे 2 × 5 ऊपर घात 5 × 9 18 के टुकड़े होंगे, 2 से किया 9 9 में किया 3, फिर 3 6 6 18 ये हो गया इसकी घात 3 × 17 में किसी 17 का ही भाग जाता है, तो ये 17 खुद ही एक रह जाएगा। अंदर की संख्याओं को जोड़ लेंगे, 1 और 2 2 × ऊपर की घात कितनी है 5, तो गुणा कर देंगे 5 से, फिर प्लस का निशान। कितनी संख्या है, 1 2 3 3 लिखा, मल्टीप्लाई घात कितनी है 3, 3 से गुणा कर देंगे, फिर प्लस का निशान। 17 खुद एक संख्या है, तो 1 × ऊपर घात कितनी है 2 से, 2 से गुणा कर दिया। इनका गुणा हुआ 5 2 9 10 + 3 3 9 9 + 2 1 2, तो ये हो गया 10 19 19 2 21, तो ये इसका आंसर आ गया। तो इस संख्या का अभाज्य गुणनखंडों की संख्या होगी 21। ये था एग्जाम्पल, आई होप सभी को समझ आ गया होगा। अब हमारा छठा पॉइंट है संयुक्त संख्या। संयुक्त संख्याओं को हम भाज्य संख्या भी कह सकते हैं। संयुक्त संख्या को इंग्लिश में कंपोजिट नंबर कहा जाता है। कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो अभाज्य संख्याएं नहीं होती हैं, यानी जो भाज्य संख्याएं होती हैं उनको संयुक्त संख्या कहा जाता है। नोट, इंपॉर्टेंट बात यह है कि सबसे छोटी संयुक्त संख्या 4 होती है। 4 से छोटी कोई संयुक्त संख्या नहीं होती, सबसे छोटी संयुक्त संख्या 4 से शुरू होती है, ठीक है। और 1 से लेके 100 तक संयुक्त संख्या या भाज्य संख्या 74 होती है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। परीक्षा की दृष्टि से पूछ सकते हैं कि 1 से 100 तक अभाज्य एक से सौ तक भाज्य संख्याएं कितनी होती है या संयुक्त संख्याएं कितनी होती है। तो हम कह सकते हैं कि 1 से 100 तक संयुक्त संख्याएं 74 होती है, ठीक है। और सबसे छोटी संख्या 4 होती है। संयुक्त संख्याएं वे होती हैं जो भाज्य हो, जैसे कि 4 4 में 2 का भाग जाता है, ठीक है। अभाज्य संख्याएं जो संख्या अभाज्य नहीं होगी ना, जैसे कि 3 अभाज्य है जिसमें इसका 1 का और 3 का ही भाग जाता है, इन संख्याओं को छोड़ के जो बाकी जितनी भी संख्या होंगी, जैसे कि 4 6 8 10 12 14, ये कितनी भी संख्या हो सकती है जिनमें 2 का 3 का सबका भाग जाता है, जैसे इसमें 2 का भाग जा रहा है, इसमें 3 का भाग जा रहा है, ठीक है, इसमें 4 का भाग जा रहा है, इसमें 5 का जा रहा है, 2 का भी जा रहा है, ठीक है। ये संख्याएं संयुक्त संख्याएं कहलाती हैं। अब हम सह अभाज्य संख्याओं के बारे में बात करें, इसको इंग्लिश में को प्राइम नंबर कहते हैं। ऐसी दो संख्याएं जिसमें एक दूसरे का भाग न जाए उन्हें सह अभाज्य संख्या कहते हैं। उदाहरण के लिए देख लीजिए, 5 और 7, इसमें 5 में 7 का भाग नहीं जाता और 7 में 5 का भाग नहीं जाता,
ऐसी दो संख्याएं जिसमें एक दूसरे का भाग न जाए वो संख्याएं सह अभाज्य संख्याओं की तथा एक ही संख्या से दोनों विभाजित न हो। ऐसी कोई संख्या नहीं है जो एक से दो, तीन, चार, छः, ये ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 5 और 7 को एक ये काट दे, तो वो संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, एक के अलावा किसी संख्या का भाग ना जाए। एक को छोड़ के ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसमें इन दोनों का भाग चला जाए, तो जिनमें एक को छोड़ के किसी संख्या का भाग ना जाए वो संख्या सह अभाज्य संख्या कहलाएगी। ठीक है, ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, दो अभाज्य संख्याएं सदैव सह अभाज्य संख्याएं होगी। दो अभाज्य संख्याएं जैसे कि 5, 7, और अभाज्य संख्या कौन सी हो सकती है, 3, 5, 3, 11, 7, 13, ये दो अभाज्य संख्याएं जब भी लिखी होगी ना तो ये सारी सह अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है, ये भी पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है, सह अभाज्य संख्या होने के लिए दोनों संख्याएं अभाज्य होना जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है कि दोनों संख्या अभाज्य हों, जैसे कि 7 और 9, ये भी दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, दो लगातार संख्या सम या विषम सह अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 15, 15 में 15 का भी भाग जाता है पूरा पूरा और एक का भाग जाता है। ठीक है, 16 सम संख्या है, इसमें भी 16 का पूरा पूरा भाग 16 का जाएगा और दोनों के बीच में एक का अंतर हो तो ये संख्याएं सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या होने के लिए दोनों संख्याओं का अभाज्य होना जरूरी नहीं है, अभाज्य होना जरूरी नहीं है, परंतु सम और विषम संख्याएं हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सह अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ एक होता है। जैसे कि 5 है, 5 का एचसीएफ क्या होगा, 5 से दिया 1। उसी प्रकार 7 का एचसीएफ क्या होगा, 7 से गया 1। 15 का एचसीएफ, 15 का एचसीएफ क्या होगा, 3 से गया 5, 5 का 1। सह अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ एक रहेगा, ये कोई भी संख्या ले लो उनका एचसीएफ एक आएगा ना वो सह अभाज्य संख्या कहलाएगी, यानी को प्राइम नंबर कहलाएंगे। ठीक है, ये था सह अभाज्य संख्याएं। आई होप आपको ये समझ आया होगा, ये पॉइंट्स हैं इनको याद रख लीजिए, जो जो ये कंडीशन पूरी करे वो सह अभाज्य संख्याएं कहलाती है। अब हम बात करते हैं संपूर्ण संख्या, 8वां पॉइंट, इसको हम इंग्लिश में कंप्लीट नंबर कहते हैं। कंप्लीट नंबर वे होते हैं ऐसी संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग उस वे संख्या को छोड़कर योग बराबर होता है, उस संख्या के बराबर होता है, उसे हम संयुक्त संख्या कहते हैं। परीक्षा में क्वेश्चन आया था, उस एग्जाम्पल के द्वारा हम इस क्वेश्चन को समझते हैं, इसको समझते हैं। निम्न में से कौन सी संख्या संपूर्ण संख्या है, 9, 8, 12 और 6, इनमें से हमें संपूर्ण संख्या कौन सी होगी ज्ञात करना है, तो आइए ज्ञात करते हैं। 9, 9 का गुणनखंड होगा 1, 3 और ये स्वयं संख्या को छोड़कर, इसको छोड़ दिया तो इनका टोटल 3 और 1 4, तो ये 9 नहीं हो रहा, इनका योग तो ये नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट था 8, 8 के टुकड़े करेंगे 1, 2, 4, ठीक है, और ये 8, 8 स्वयं को छोड़ दिया, अब इनका टोटल करेंगे 4, 6 और 1 7, इनके योग बराबर नहीं हो रहा 8 के, तो ये भी नहीं है। नेक्स्ट है हमारा 12, तो 12 के टुकड़े किए 1, 2, 3, 4 और 6 और 12, 12 को हमने छोड़ दिया, 6, 4, 10, 10 और 13, 13, 15 और 16, ये योग के बराबर नहीं है, एक ज्यादा ज्यादा हो रहा है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं है। नेक्स्ट है हमारा 6, 6 के टुकड़े किए 1, 2 और 3 और 6 को हमने छोड़ दिया, तो अब योग होगा 3,
दो पांच और एक छह, तो इनका गुणनखंडों का योग संख्या के बराबर है, तो ये हमारी इसका आंसर होगा छह। निम्न में से कौन सी संख्या हमारी संपूर्ण संख्या कौन हुई, सा आंसर होगा छह हमारी, जैसे कि हमने ज्ञात किया। संपूर्ण ये संख्या, लास्ट हमने 9, 8, 12 और छह छोड़े, संपूर्ण क्योंकि संख्या है। इसमें खुद संख्या का गुणनखंड नहीं जोड़ना है, इसलिए हमने इन्हें अलग किया था। तो हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं और के बारे में ज्ञात करते हैं। ये हमने कुछ संख्याएं लिखी, हमें ज्ञात करना है कि इन संख्याओं संपूर्ण में से कौन संख्या, सी संख्या है और कौन सी नहीं। 18 पहले लिया, 18 के हम जोड़े करेंगे तो संपूर्ण है। हमें कौन कौन सी संख्याएं प्राप्त होंगी। तो 18 के हमने टुकड़े किए तो हमें एक गुणनखंड, 2 से भी 18 कटता है, 3 से भी कटता है और 6 से भी कटता है, 9 से भी कटता है और खुद की संख्या इससे भी कटता है। तो खुद की संख्या को छोड़ देंगे तो अब इनका योग 9 और 6 15, 15 और 3 18, 18 और 2 20 और 21, इसका योग 21 इस संख्या से ज्यादा हो रहा है, तो ये हमारा नहीं है। इसी क्रम में हमारी नेक्स्ट है 24। संपूर्ण संख्या, इस 24 के गुणनखंड किए तो 1 2 से भी होता है, 3 4 6 8 12 और ये हमारा खुद 24। 24 को हमने छोड़ दिया क्योंकि स्वयं संख्या है, तो इन सबका टोटल करेंगे तो भी ये 24 से अधिक जा रहा है, ठीक है, तो ये भी हमारी नहीं है। वैसे ही हम 32 लेते हैं, 32 का हुआ 1 2 संपूर्ण संख्या, चार आठ 16 32, ये इसके गुणनखंड हुए, तो 32 खुद संख्या छोड़ दो। इन सबको जोड़ेंगे, 8 4 12 14 15, 15 30 31, 31 हो रहा है, ये भी संख्या उसके बराबर नहीं, तो ये हमारा गुणनखंड नहीं हो। अब 28 के टुकड़े करेंगे तो 1 2 4 7 14 और 28, खुद खुद संख्या को हम काउंट नहीं करते हैं, बाकी का योग गुणनखंडों का। तो 14 और 7 21, 21 और 4 25, 25 और 2 27 और 1 28, इन गुणनखंडों का योग संख्या के बराबर हो रहा है, तो ये हम ठीक है। अब हम बात करेंगे दशमलव संख्याएं। दशमलव संपूर्ण संख्याओं संख्या को है। हम 3 भागों में बांटते हैं, शांत दशमलव, अशांत आवर्ती दशमलव और अशांत अनावर्ती दशमलव। शांत दशमलव वो होते हैं जिसमें भाग देने पर संख्या रुक जाती है, उसे हम शांत दशमलव कहते हैं। जैसे कि 2/5, 2/5 में भाग दिया तो 0.4 आया, इसके आगे संख्या हमारी नहीं जाती, तो उसे शांत दशमलव कहते हैं, यानी पॉइंट के बाद एक या दो संख्याओं के बाद में आंसर खत्म हो जाता है, उसे हम शांत दशमलव कहते हैं। उसी प्रकार अशांत आवर्ती दशमलव उन संख्याओं को कहा जाता है जिनकी संख्या अनिश्चित हो, जिसमें आगे क्रम वद अनंत तक भाग चल जाता रहे, वो अशांत आवर्ती होते हैं। जैसे 1/3 में हमने भाग दिया तो 0.3333 आगे करते रहो तो इसका उत्तर 3 3 तक चलता ही रहेगा, तो वो होती है अशांत आवर्ती। इसको हम आगे ये क्रमवत चलता रहता है, तो एक संख्या बार बार रिपीट होती है जो संख्या, उसके ऊपर हम एक ये लाइन का निशान लगा देते हैं, तो ये होती है अशांत आवर्ती संख्या। उसी प्रकार अशांत अनावर्ती संख्या होती है, जैसे कि रूट के अंदर हमने 2 लिखा और इसको हमें कभी ये 1.14 14 आगे चला जाता है, चलती आगे ये पॉइंटों में इसकी संख्या बदलती रहती है, यानी ये फिक्स नहीं होती, तो उसे जो संख्या फिक्स नहीं होती उसे हम अशांत अनावर्ती कहते हैं। कभी 14 आ गया, फिर 15 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ऐसे संख्या चलती रहेगी, ये कहीं रुकेगी नहीं, तो वो अशांत अनावर्ती कहलाती है। शांत दशमलव और अशांत आवर्ती ये दोनों परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्याएं होती है, ठीक है, और अशांत अनावर्ती अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है।
तो पूछ सकते हैं कि दशमलव संख्याओं में अपरिमेय संख्या कौन सी है? तो अशांत अनावर्ती दशमलव को अपरिमेय संख्या कहा जाता है, और शांत दशमलव और अशांत आवर्ती को परिमेय संख्या कहा जाता है। अब क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि अशांत अनावर्ती कैसा प्रसार है? तो ये एक अपरिमेय संख्या है। या ऐसे पूछ लेंगे कि अपरिमेय संख्याएं संख्याओं का प्रसार है, अपरिमेय संख्याओं का प्रसार है। तो अपरिमेय संख्याओं का प्रसार अशांत अनावर्ती संख्याएं हैं। आंसर में आएगा अशांत अनावर्ती ठीक है। उसी प्रकार पूछ लेंगे कि परिमेय संख्याएं का प्रसार होता है, तो परिमेय संख्याओं का प्रसार होता है अशांत आवर्ती दशमलव संख्या प्लस शांत दशमलव। शांत दशमलव और अशांत आवर्ती संख्या परिमेय संख्याओं का प्रसार होता है। तो ये था हमारा दशमलव संख्याएं। अब हम एग्जाम्पल करते हैं। क्वेश्चन आता है कि 0.25 को परिमेय संख्याओं में बदलो, और उसी प्रकार 1.225 को परिमेय संख्याओं में बदलो। तो इन्हें परिमेय संख्याओं में कैसे बदलेंगे कि जैसे पॉइंट है तो 25 कितनी संख्याओं के बाद पॉइंट है? दो संख्याओं के बाद पॉइंट है, तो नीचे 201 लिख के 20 लगा देंगे। तो ये हो गया 25/100, इसको काटा तो ये आया 1/4। तो ये इसको लिख दिया हम परिमेय संख्या, तो ये इसकी परिमेय संख्या है ठीक है। उसी प्रकार 1.225 को परिमेय संख्याओं में बदलो, तो एक ठीक है पॉइंट है, तो कितने के बाद पॉइंट है? एक दो और तीन, तीन के बाद पॉइंट है, तो पॉइंट हटा के संख्या ऊपर सीधी लिख दी, नीचे कितने के बाद? तीन के बाद पॉइंट है, तो 3, 0 और 1 लगा दो ठीक है। तो ये हमारी परिमेय संख्या आ गई ठीक है। अब हम नेक्स्ट अशांत परिमेय को ज्ञात करते हैं। तो उसके ऊपर क्वेश्चन आता है कि 0.2344 के ऊपर अशांत परिमेय का निशान है, परिमेय संख्याओं में बदलो, और 0.1634 तीन और चार के ऊपर अशांत आवर्ती का निशान है, इसको परिमेय संख्याओं में बदलो। तो इनको हम कैसे परिमेय संख्याओं में बदलते हैं? जो ये संख्या है इसको हूबहू वैसे लिख लेते हैं, 2, 3, 4, फिर माइनस का निशान। कितनी संख्याओं के ऊपर डंडे का निशान है उतने हम नीचे 9 लिख लेते हैं ठीक है। और 4 से पहले कितनी संख्याओं के ऊपर डंडे का निशान है 2, उनको हूबहू वैसे लिख देते हैं 23 ठीक है। अब एक संख्या इसके बाद में दो संख्या रहेगी, तो इसको आगे 20 लगा देंगे ठीक है। अब इसको घटाएंगे तो ये आ गया 211.900, ये हो गया हमारा आंसर ठीक है। उसी प्रकार ये संख्या है वैसे के वैसे लिख दी 1634 माइनस 34 के ऊपर ये अशांत सिंबल लगा हुआ है, इससे पहले कितनी संख्या है? दो संख्या है, तो ये 2 घटा दो, जिसके ऊपर डंडा नहीं है वो संख्या इसमें से घटा दो। बटा कितनी संख्याओं के ऊपर लगा है? दो संख्याओं के ऊपर, तो 2 9 लिख दो ठीक है। और कितनी संख्याओं के ऊपर नहीं लगा वो 20 लगा दो, तो इसको घटाया तो हमारा उत्तर आ जाएगा 1618/9900, ये हमारा आंसर हो गया ठीक है। इनको ऐसे कहते हैं, पहले क्या हो गया जितनी संख्याओं के ऊपर है, पहले सारी टोटल संख्या, फिर जितनी के ऊपर संख्या के ऊपर ये निशान नहीं है वो संख्या यहाँ लिख देंगे, फिर जितनी के ऊपर ये 2 है तो 2 9 लिखेंगे, 1 है तो 1 9 लिखेंगे, और उसके बाद कितनी संख्या के ऊपर नहीं है उतनी हम
जैसे यहाँ दो नहीं है, दो जीरो लगा दिए, यहाँ दो नहीं है तो ये दो और जीरो लगा दिए, ठीक है। ऐसे हम अशांत आवर्ती संख्या ज्ञात करेंगे। परीक्षा में क्वेश्चन आया हुआ है और ये इसके ऑप्शन दिए हुए हैं 1, 2, 3 और 4, ठीक है। परीक्षा में क्वेश्चन आया 0.54, 0.47, 0.06 को अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन को ज्ञात करने के लिए वही इससे पहले क्वेश्चन क्या था, वही 54 लिख दिया, माइनस 4 से पहले डॉट है, इससे पहले कौन सी संख्या वो घटा देंगे, नीचे एक पॉइंट है तो एक डॉट है, तो एक संख्या के ऊपर डॉट है तो एक और जीरो, ठीक है। उसी प्रकार प्लस 47 माइनस आगे वाली संख्या घटा दी, पट्टा एक डॉट है तो 9, 1, 0, प्लस 6 पे डॉट है तो पूरी संख्या 6, माइनस डॉट के आगे वाली संख्या कौन सी है, सिम 0, तो 0 को घटा दिया, नीचे 9 लिख दिया, ठीक है। अब इनको घटा के लिखेंगे तो 49/90 प्लस 43/90 प्लस 6 में से 0 गया, 6/90, एलसीएम है 90, इन सबको हम जोड़ेंगे तो 98, ठीक है, 98 बना, ये हमारा परिमेय संख्या है। अब हमारा 98/90 आया, तो इन ऑप्शन में से 9 1 है, तो यानी एक संख्या के ऊपर ही ये निशान लगा होगा, तो इस पे 2 पे निशान ये लगा हुआ है, यहाँ भी 2 पे लगा, तो ये दो तो ऑप्शन हो ही नहीं सकते अपने, ठीक है, या तो आंसर ये होगा या आंसर ये होगा। तो ये आंसर हम निकालते हैं, 108 माइनस 10 पीछे रहा बटा में 90, तो 108 में से 90 गए, 98/90, तो यानी ये हमारा 4 नंबर ऑप्शन हमारा आंसर होगा। अब हमारे पास एक क्वेश्चन और करते हैं हम इसी तरह का, ये एक परीक्षा में क्वेश्चन है, 2.47 प्लस 3.53 प्लस 0.05 ज्ञात करनी है, हमें निकालनी है। तो जो संख्या दी है वो एक बार वैसे के वैसे लिख लेते, 247 माइनस क्या करना है, जो इन संख्याओं के ऊपर तीर का निशान है उसको छोड़ दो, बाकी लिख दो, दो अकेला है नहीं है, कितने पर तीर का निशान है, 2 पे, तो 2, 9, जितने तीर के जितनी संख्याओं पर तीर का निशान होगा उतने हम नीचे 9 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ 2 तीर के निशान है तो 2 9 लिख देंगे, यहाँ 2 तीर के निशान है तो यहाँ 2 9 लिख देंगे, ठीक है। अब इस पूरी संख्या में से 253 में से जिस तीर का निशानी है वो संख्या लिखेंगे, यानी 3 पे नहीं है तो 3 लिख देंगे घटाने के लिए। अब 5 में से किस संख्या पे तीर का निशानी है, 0 पे, तो 0 घटा देंगे, ठीक है। 2 पे निशान था तो लिख दिया, अब इनमें से घटा के 247 में से 2 गए, 243/99 प्लस 353 में से 3 गए, 350/99 प्लस 5/99, इन सब का टोटल किया, इन सब का टोटल किया 600/99, ये हमारी होगी परिमेय संख्या। ऐसे हम परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। अगर मान लो ऑप्शन यहाँ कुछ ऑप्शन दे दें, जैसे कि 6.06 ऊपर ये सिंबल, और एक 0.06 बिना सिंबल का दे दे, ठीक है, एक हमें दे दे 0.06 घात, ये दोनों दोनों के ऊपर डंडा, तो अब इसमें से हमारा ऑप्शन कौन होगा। जैसे मान लो हमने ये ऑप्शन उठाया तो 606, ठीक है, माइनस ये संख्या घटानी है, 6 घटाए कितने के ऊपर ये डंडा के निशान, 2 पे, तो 99 लिखे, तो 606 में से 6 गया, 600/99, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। इसको इसमें भाग देंगे तो भी हमें ये संख्या प्राप्त होगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं परिमेय अपरिमेय संख्याएं, ठीक है।
परिमेय संख्याएं वे होती है जो पी बटा क्यू से लिखी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। परिमेय संख्याएं पी या क्यू पूर्णांक होते हैं, ठीक है, पी या क्यू पूर्णांक होते हैं, ठीक है, पी व क्यू पूर्णांक होते हैं। जैसे पूर्णांक वो होते हैं इंटीजर्स नंबर, जैसे कि ऋणात्मक माइनस थ्री, माइनस टू, माइनस वन और जीरो पूर्णांक होता है, एक दो और तीन से लेकर अनंत तक पूर्णांक होते हैं। क्यों बराबर जीरो कभी नहीं होगा, क्यों की वैल्यू कभी जीरो नहीं होगी, अगर क्यों की वैल्यू जीरो होगी तो वो कभी पूर्णांक संख्या नहीं कहलाएगी। एग्जाम्पल के लिए जैसे पाँच बटा आठ एक पूर्णांक है, ठीक है, 11 माइनस आठ बटा ग्यारह भी एक पूर्णांक है, यानी जो पी बटा क्यू में लिखी, यहाँ कोई भी संख्या लिख सकते हैं, कौन सी संख्या जो पूर्णांक हो, पूर्णांक ऋणात्मक भी हो सकती है धनात्मक भी हो सकती है, परंतु क्यू की वैल्यू है ना, ये क्यू, इसकी वैल्यू जीरो नहीं लिखनी कभी, ठीक है। जीरो बट्टा एक परिमेय संख्या है, ठीक है, परंतु एक बट्टा जीरो अपरिमेय संख्या है, ये याद रखना, ठीक है। ऊपर जीरो आ जाएगा कोई दिक्कत, पर तो क्यू की वैल्यू में जीरो नहीं आना चाहिए, ठीक है, तो वो सब संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती है, जैसे 10 बट्टा 11, 15 बट्टा 1, इस वैल्यू को भाग देने पे माइनस में आ जाए कोई दिक्कत नहीं, प्लस में आ जाए कोई दिक्कत नहीं, पर तू जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो वो संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती हैं। अब हम बात करते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या वे होती है जो परिमेय संख्या को छोड़ दें तो वो जो बाकी शेष संख्याएं रह जाती हैं वो अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे पाई, पाई अपरिमेय संख्या है। अब रूल्स बात कर रहे हैं आपको, मैं पॉइंटों में समझा रहा हूँ अपरिमेय संख्या कौन कौन से होते हैं। जैसे पाई अपरिमेय संख्या है, लेकिन 22 बटा 7 लिख देना तो ये परिमेय संख्या है, क्योंकि इसमें पी बटा क्यू की वैल्यू हमें पता लग रही है, तो ये परिमेय संख्या होगी, परंतु ये पाई का सिंबल अपरिमेय संख्या होगा। उसी प्रकार एक बटा जीरो, जीरो लिख दें, क्यू की वैल्यू अगर जीरो आ जाए तो अपरिमेय संख्या होगी, क्योंकि जीरो का मान हमेशा अनंत होता है और इसे अपरिभाषित कर सक परिभाषित होता है। इसी प्रकार जीरो बटा जीरो भी अनंत होता है और ये भी अपरिमेय संख्या है। रूट, रूट में कोई भी संख्या आ जाए जिसका स्क्वेयर ना हो तो वो अपरिमेय संख्या है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर रूट में 64 आया तो इसका हुआ 8, तो ये एक परिमेय संख्या है, ठीक है, परिमेय। उसी प्रकार अगर रूट में 10 लिखा आए तो ये एक अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसका रूट करेंगे तो इसका रूट हम ज्ञात नहीं कर सकते, तो ये एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ई का कोई भी मान हो, ई हमेशा अपरिमेय संख्या है, जैसे कि कुछ बुकों में लोग। अब परिमेय और अपरिमेय संख्याओं में नोट, इम्पोर्टेंट बात हम ज्ञात कर रहे हैं जो क्वेश्चन बनते हैं, दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, उसी प्रकार दो परिमेय और दो अपरिमेय संख्याओं के बीच अनंत अपरिमेय संख्या होती है। याद रख लें, दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या और दो अपरिमेय संख्याओं के बीच अनंत अपरिमेय संख्या होती है। क्वेश्चन है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, दो परिमेय संख्या 2 व 3 के बीच परिमेय संख्या क्या होगी। अगर परिमेय संख्या पूछे तो 2 + 3 को जोड़ के 2 से भाग दे दो, यानी 5/2, ये तो क्या परिमेय संख्या। उसी प्रकार दो परिमेय संख्या 2 व 3 के बीच एक अपरिमेय संख्या पूछे तो रूट करके दोनों की संख्याओं का मल्टीप्लाई कर दो तो हमारा आंसर आएगा √6। तो ये होगी अपरिमेय संख्या, और परिमेय संख्या पूछे तो 2 से भाग कर दो तो ये होगी परिमेय संख्या। एक एग्जांपल लेते हैं हम, एग्जांपल में यहाँ हम लेते हैं 6 और 8,
तो 6 प्लस 8 बटा 2 यानी 14 बटा 2 यानी 7 योगी परिमेय संख्या। उसी प्रकार अपरिमेय संख्या पूछ ले तो यहाँ दे दे 3 इंटू 7, 3 और 7 के बीच में अपरिमेय संख्या होगी तो 3 इंटू 7 का रूट करके 21, रूट 21 तो ये अपरिमेय संख्या होगी। तो अब हम एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम शांत व अशांत दशमलव के बारे में हम बात करेंगे। परीक्षा में प्रश्न आता है कि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत ज्ञात करो। जैसे कि एग्जांपल 1/4, तो ये शांत दशमलव है या अशांत, तो इसे इसको भाग देंगे, 4 का 1 में भाग देंगे तो 0.25 आएगा। उसी प्रकार 15 का 1 में भाग देंगे तो 0.0666 ऐसे चलता जाएगा। तो जिन संख्याओं का भाग देने पर आंसर समाप्त हो जाए वो शांत दशमलव कहलाते हैं, और जिनका पॉइंटों के बाद उत्तर चलता ही रहता है यानी भाग समाप्त नहीं होता वह अशांत दशमलव होता है। ठीक है, अब एक नोट लगा के ज्ञात कर लीजिए, बड़ी अगर मान लो कोई बड़ी संख्या आ जाए, मान लो 625, 1000, 1255, इन संख्याओं का हमें शांत व अशांत दशमलव ज्ञात करना हो तो हम नहीं कर पाएंगे। उसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है, यदि परिमेय संख्याओं के हर होता है नीचे वाला, अंश ऊपर होता है, नीचे हर होता है। ठीक है, हर के अभाज्य गुणनखंडों में 2 व 5 का या 2 व 5 दोनों का, इसके अलावा कोई और संख्या से वो संख्या न कटे तो वो शांत दशमलव कहलाती है। ठीक है, कोई भी हर 2 या 5 से, या तो 2 से कटे या 5 से कटे तो वो शांत दशमलव कहलाती है, या दोनों से कटे तो शांत दशमलव कहलाती है। जैसे कि 20 है, इसका हर को ज्ञात करना है कि ये शांत है अशांत, तो 20 को ज्ञात करना, 2 से कटा तो 10, फिर 2 से कटा 5 या 5 1। जो संख्या 2 व 5 से कटे या अकेले 2 या 5 से कटे तो वो शांत है, तो ये शांत हो गया, शांत दशमलव है। अब मान लो 1/15 है, तो 15 के टुकड़े करे 5 से क्या 3। अब 5 के अलावा कोई दूसरी संख्या 3 आ गई तो ये एक अशांत है। ठीक है, तो अशांत दशमलव है। उसी प्रकार 1/25 है, तो 25 में 25/5 से काटा 5 1, 4 है, 2 से काटा 2 2 4 1। या तो वो संख्या 2 से कटे या वो 5 से कटे या वो 2 और 5 दोनों से कटे हर, तो वो संख्या शांत दशमलव कहलाएगी। अगर वो 2 और 5 के अलावा किसी अन्य संख्या से कटे, जैसे ये यहाँ 3 कटा, तो ये अशांत दशमलव कहलाएगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और वीडियो देखने के लिए आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद देव को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन अच्छा रहे।